हेलो, कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। पहली क्लास में आप लोगों से बात हुई थी और आप लोगों को हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक, बहुत बेसिक जानकारी दी थी। सो ये लेक्चर सेकेंड है और आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले लेक्चर को अवश्य देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ये ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। तब आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी हम बात बेसिक्स पे कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बातें उसमें नहीं बता रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे और स्टिक्स पे, कॉन्स्टेंट्स पे बात की जाएगी। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं और इसको बिना समय व्यतीत किए उससे आगे बात करते हैं। पिछले एक क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे ऑपरेट होता है। अलग अलग साइन फंक्शन में, कोसाइन में, टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, उसका बाकी कुछ हिस्सा हमने आपके लिए छोड़ दिया था। उम्मीद है आप घर से जरूर कर लिए होंगे और आपने घर पे अपने अच्छे से काम किया होगा। अब आज उससे आगे हम बात करते हैं और अगला जो पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है, वो है मल्टीपल एंगल का। साइन टू साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये फॉर्मूला हो सकता है, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। ये कब होगा? इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होता है। रिस्ट्रिक्शंस के बाद जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़े समय बात करेंगे, अभी बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं इसलिए रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा नहीं होता इस तरह का, इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट एलिमेंट्री लेवल पे इसकी उस रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात हम बाद में करेंगे। इसमें प्लस माइनस एंगल करना पड़ता है ताकि ये अपने क्वाड्रेंट में रहे। इसी तरह से टू कॉस इनवर्स एक्स अगर हो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है। टू टैन इनवर्स एक्स हो जाए तो ये फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², इस तरह का। तो आप इन सब फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है? तो एक हम डिराइव करके देखते हैं। जैसे टू साइन इनवर्स एक्स है, टू कॉस इनवर्स एक्स है, टू टेन इनवर्स एक्स है, तो इन फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए ऐसा क्यों होता है? अगर इधर एक्स है तो एक्स को साइन थीटा पुट कर लो, इधर कॉस पुट करना है तो एक्स को कॉस थीटा पुट कर लो, इधर एक्स को टेन थीटा पुट कर लो, आपकी बात बन जाएगी। जैसे पहला हम प्रूफ करना चाहते हैं कि टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x². तो ये कब होगा और कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए हम इसमें पुट करते हैं x को साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा तो RHS हो जाएगा, RHS हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ऐसा करने से ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके कॉस थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट? That is sine 2 theta. अब यहीं पे रिस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हैं इसको। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, है ना? ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल किसके बीच में लाई करना चाहिए? एंगल जो 2 थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा? अगर एंगल टू थीटा माइनस पाई बाई टू से, वेयर टू थीटा लाइज बिटवीन किसके, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए। तो थीटा जो है वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में लाई करना चाहिए।
अब थीटा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में लाई करेगा, एक्स को आपने साइन थीटा पुट किया है, तो साइन थीटा अगर माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में लाई करेगा तो एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू के बीच में लाई करेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन होगा, यही रिस्ट्रिक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें और थोड़ा विस्तृत बात करेंगे कि अगर ये पाई बाई फोर से बड़ा हुआ तो क्या हुआ होगा, अगर माइनस पाई बाई फोर से छोटा होगा तो क्या होगा। लेकिन इन सब की जरूरत जेई के एग्जाम के लिए है, 12th के सिलेबस के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लगभग नहीं है। तो इसलिए उस पर अभी बात थोड़ी बाद में करेंगे, अगले आने वाले वीडियोज में करेंगे, अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं। तो अब फॉर्मूला हमारा बन गया कि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कब, व्हेन व्हेन x इज लाइज बिटवीन माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच में। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसका डेरिवेशन आपको पता चल गया, इसको आप याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इसी तरह से 2 cos इनवर्स x के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें 2 cos इनवर्स x की, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होना चाहिए। अब इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और इसको कैसे करेंगे, यहां पर भी हम चाहें तो पुट कर लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू cos थीटा। सो क्या होगा, x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करने से ये RHS हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स 2x 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स को कॉस थीटा पुट किया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, बताएंगे आप। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है आपको। और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होता है कब, बताए, व्हेन एंगल 2 थीटा लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में। तो 2 थीटा अगर 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब है कि थीटा किसके किसके बीच में लाई होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए वो लाई करना चाहिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो कॉस थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, कॉस थीटा लाई करना चाहिए 1 से लेकर के 0 के बीच में। इसका मतलब कॉस थीटा क्या है, एक्स। तो एक्स जब 0 से 1 के बीच में होगा तब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, उल्टा डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए रिवर्सल हो जाता है, ठीक है ना। कॉस लगाने के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो एक्स लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये फॉर्मूला होगा, थीटा क्या था हमारा, थीटा है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x। तो RHS से हमने प्रूफ किया और LHS आ गया 2 cos इनवर्स x, ये है हमारा LHS। तो फॉर्मूला क्या बना, इसी तरह से जैसे ऊपर में आया यहाँ पे 2 थीटा आया, और 2 थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 थीटा का मतलब है कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स x, दैट इज LHS। तो यहां पर LHS आ गया 2 साइन इनवर्स x, जिसका फॉर्मूला हमने RHS से LHS डिराइव कर दिया। इसी तरह से नीचे भी हमारा क्या आ गया कि 2 कॉस इनवर्स x, मतलब फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया अब आपका इस तरह का कि 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कब, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, एक्स 0 से 1 के बीच में हो तब ये फॉर्मूला लागू होगा। अब सवाल आपका हो सकता है कि एक्स अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, या थीटा जब पाई बाई 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो इस पे हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ गए आप, और ये सब पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगला जो चीज है वो है क्या, 2 tan इनवर्स x, क्या है 2 tan इनवर्स x, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हो जाएंगे टैन के लिए। और सबके लिए चूंकि LHS में टैन थीटा है तो आप x को टैन थीटा पुट करेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। पुट कर लिया x इक्वल टू टैन थीटा, तो RHS इज इक्वल टू पहला पार्ट tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to what? tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta हुआ। इसका मतलब किसका फॉर्मूला है आपको याद है? ये है tan 2 theta का फॉर्मूला, है ना? तो ये हो जाएगा tan inverse tan 2 theta, tan inverse tan 2 theta that is 2 theta and that is 2 tan inverse x. अब tan inverse tan theta is equal to 2 theta. ये कब होता है tan inverse tan theta is equal to theta? जब theta lie करेगा किसके बीच में? minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में। तो ये formula हो गया कि tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to 2 tan inverse x हो गया when थीटा लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में? 2 थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, मतलब टेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस 1 से 1 के बीच में। तो टेन थीटा क्या है? एक्स, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1। तो ये कंडीशन हो गया कि जब थीटा होगा किस एक्स किसके बीच में होगा? माइनस वन से वन के बीच में होगा, तब ये फॉर्मूला लागू होगा टैन इनवर्स 2x अपॉन, है ना, टैन इनवर्स 2x अपॉन, चूंकि फॉर्मूला यहाँ पे याद करा दूं, हमने फॉर्मूला पहले क्लास में बता दिया है, टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसलिए तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या था? 2 थीटा, तो 2 थीटा भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। और 2 थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होगा। तो टैन थीटा किसके बीच में होगा? माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। तो एक्स किसके बीच में होगा? वो भी होगा माइनस 1 से 1 के बीच में। तो ये फॉर्मूला हो गया कि tan 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square is 2 tan inverse x होता है। और ये कब होता है? जब x जो है वो minus 1 से 1 के बीच में। अब इसका दूसरा पार्ट अगर प्रूफ करें कि sin inverse 2x upon 1 minus x 1 plus x square, इसको भी अगर हम लिखें तो लिखें sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। हुआ? ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा, है ना? तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या होगा? तो यहाँ पर भी टू थीटा तभी होगा व्हेन थीटा टू थीटा लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में लाइज करेगा? टू थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, यानी थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में। और थीटा अगर इसके बीच में है तो टैन थीटा किसके बीच में लाई करेगा? माइनस 1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते समय हम कह सकते हैं कि ये टैन थीटा जो होगा वो माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, यानी एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा क्या था हमारा? tan इनवर्स x। तो ये सब कंडीशंस आपको समझ में आ रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब थीटा किसके बीच में लाई करता हो? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर तीसरा पार्ट हम इसका करें करते हैं वो भी, तीसरा पार्ट क्या है ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट है इसका कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां पर पुट कर लें कि x इज इक्वल टू टेन थीटा,
तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स आरएचएस होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, आरएचएस होगा क्या, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, याद है आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है? याद है ना क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा। ओके कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होगा व्हेन ये 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में, मतलब थीटा लाई करेगा 0 से पाई/2 के बीच में, तो कॉस थीटा लाई करेगा कहाँ, 0 से 1 के बीच में, तो ये तभी होगा। 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x, कब, जब x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब x 0 से 1 के बीच में लागू हुआ। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको याद होना चाहिए, करेंगे ना यार? ठीक है। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले भी देखते हैं। फॉर्मूला है आगे 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³-3x, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3x-x³ अपॉन 1 माइनस 3x² ये कब होगा और इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो आइए इसको भी सीखते हैं, रिस्ट्रिक्शन खुद ब खुद आपको पता चलेगा। पहला प्रूफ करते हैं, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³, ये हो गया। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है? तो हम क्या कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर साइन है तो हमें साइन थीटा पुट करना चाहिए, तो आर एच एस से हम कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा, आर एच एस पुट कर लिया तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा-4 sin³θ, ठीक है? तो ये हो गया साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है ये, साइन थ्री थीटा, तो ये हो गया 3θ, और थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x। थीटा क्या है हमारा, यहां से निकालेंगे थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। लेकिन सवाल ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होता है, व्हेन 3θ लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। अब 3θ -π/2 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब थीटा कितना लाई करेगा, -π/6 से π/6 के बीच में, तो साइन थीटा कितना लाई होगा, साइन थीटा जो होगा वो -½ से ½ के बीच में होगा। अब आगे फिर सवाल आएंगे जेई के लिए कि अगर हाफ से बड़ा होगा तो क्या होगा, -½ से छोटा होगा तो क्या होगा, लेकिन अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है आगे के वीडियोज में उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि साइन थीटा -½ से ½ के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा है क्या हमारा, एक्स, तो एक्स जो है वो -½ से ½ के बीच में है, तब हमारा ये फॉर्मूला लागू होगा, अर्थात ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब x 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³ व्हेन x लाइज बिटवीन -½ to ½, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और ये मॉडिफिकेशन क्या होगी ये आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, और क्यों होगी और कैसे होगी, ठीक है? तो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला का ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि एक्स जब -½ से ½ के बीच में होगा तब 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³ होगा। समझ आ रही है बात?
इसी तरह से हम अगर आगे करें, थ्री कॉस इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये फॉर्मूला है। अब हम पुट कर लिए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, फ्रॉम आर एच एस क्या हो जाएगा, अब देखिए आर एच एस विल बी कॉस क्यू कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, है ना, राइट, माइनस थ्री कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा कब होगा, व्हेन थीटा जो होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा लाई कर रहा है किसके बीच में, जीरो से पाई के बीच में, बताया हुआ है आपको। तो इसी तरह से यहाँ पे थ्री थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में। तो थीटा कितना लाई करना चाहिए, जीरो से थ्री से डिवाइड हो गया, पाई बाई थ्री के बीच में। अब कॉस थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, तो कॉस थीटा जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, कॉस पाई बाई थ्री हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा होगा, रिवर्स हो जाता है, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन। सो कॉस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, कॉस पाई बाई थ्री जो होगा वन बाई टू होगा, सिक्सटी कॉस सिक्सटी वन बाई टू, और कॉस जीरो जो है वन के बीच में। यानी एक्स जो है, कॉस थीटा आपने एक्स को माना है, एक्स जब हाफ से बड़ा और वन से छोटा होगा तब ये फॉर्मूला होगा कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स। यानी ये फॉर्मूले का मतलब ऐसा हो गया आपकी समझदारी के लिए, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स होगा कब, व्हेन एक्स जो है वो हाफ से वन के बीच में होगा तब, हाफ से वन के बीच में होगा तब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट, थ्री टैन इनवर्स एक्स, थ्री टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमने फॉर्मूला बताया है आपको, टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब कब ये होगा, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, तो हम करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, तो आर एच एस क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा टैन इनवर्स थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो हम इसको लिख देंगे टैन इनवर्स थ्री, टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, पता है ना आपको, याद आ रहा है नहीं आ रहा, टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो गया थ्री थीटा। बोलो, थ्री थीटा का मतलब, थीटा का मतलब टैन इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स। लेकिन मैकेनिज्म असली यही है कि ये कब होता है, जब थ्री थीटा लाई करता है किसके किसके बीच में, व्हेन थ्री थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। मतलब ये हो गया कि थीटा लाई करेगा किसके बीच में, थीटा लाई करेगा माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स के बीच में। तो टेन थीटा किसके बीच में लाई करेगा, तो टेन थीटा लाई करेगा, टेन लगा देंगे तो माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री के बीच में। मतलब एक्स जो होगा वो होगा वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री के बीच में। तो ये फॉर्मूला तभी होगा जब व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री के बीच में, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अगेन फिर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वन बाई थ्री से रूट थ्री से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, माइनस वन बाई रूट थ्री से छोटा होगा तो क्या होगा, जरूर बताएंगे, आप इंतजार कीजिए और इस पे चर्चा होगी। अभी फिलहाल इसको समझने की जरूरत है, जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगी वैसे वैसे जब हम इसमें किसी तरह का इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अभी हम आपको ये बात बता रहे हैं। इसी तरह से फॉर्मूला हो सकता है कि
टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड क्या होना चाहिए? तो एक फॉर्मूला हो सकता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये भी समझना जरूरी है ना, कि आखिर ये होगा कैसे। तो हम पुट करते हैं, ये न्यू फॉर्मूला समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टैन ए, वाई इज इक्वल टू टैन बी एंड जेड इज इक्वल टू टैन सी, ऐसा पुट कर लेते हैं है ना। तो क्या होगा ये आर एच एस से चलते हैं फिर, आर एच एस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको अब हम लिख सकते हैं नीचे टैन इनवर्स टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए टैन बी टैन सी है ना, डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए टैन बी टैन माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन सी टैन ए। ये किसका फॉर्मूला है याद है आपको? ये फॉर्मूला है टैन ए प्लस बी प्लस सी का। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स टैन ए प्लस बी प्लस सी का है ना, ए प्लस बी प्लस सी का। अब यहां पर भी यही बात होना चाहिए कि ये टैन इनवर्स टैन थीटा हो गया, ये थीटा ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी मिल के माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। अब ए क्या है यहां से, अगर यहां से बात करूं तो ये क्या है टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टैन इनवर्स एक्स। बी क्या है टैन इनवर्स वाई, सी क्या है टैन इनवर्स जेड, यही है LHS, है ना। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्शन है और इसके कैसे एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूला बेसिक्स हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर 12th लेवल तक का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इतने फॉर्मूले कम से कम आपको याद होना चाहिए। मैं लेक्चर को दो भागों में बांट रहा हूँ, एक जिनको जेई नहीं करनी है और एक जिनको जेई करनी है। तो जिनको जेई नहीं करनी है उनको हम प्राइमरी लेवल पे जो नॉलेज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि वहां तक वो तैयार कर ले और अननेसेसरी के उनको वो सारी चीजें कोच न किया जाए जो उनके काम की नहीं है। जिन लोगों को जेई देना है उनके लिए हम अलग से फिर से इस पे डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म पे जो जेई के एग्जाम के लिए जरूरी है, जो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है जेई और मेन और एडवांस के लिए, तो उसके लिए अलग से फिर हम इस पे दोबारा थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, इसका एक्सटेंशन लिमिट्स और कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। लेकिन तब तक ये चीज डिस्कस करते हैं जो सिर्फ 12th के लेवल के लिए जरूरी है, और जिन लोगों को सिर्फ 12th की एग्जाम देनी है उनको अननेसेसरी ज्ञान के सागर में उड़ेला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं 12th वाले बच्चे, फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, एक ये कि सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन उनको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है ये कि कहीं पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो और फंक्शन को सिंप्लीफाई करना हो तो पुट करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बेसिकली पहला वाला ज्यादा जरूरी है, यही याद रखे, इसी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कहीं पर फंक्शन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो आपको पुट करना चाहिए रूट के बाहर निकलने के लिए एक्स को ए टैन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा।
इसी तरह से कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो आपको पुट करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, जिससे हम यहाँ पे एक्स ए सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए आप रूट से बाहर, टेन स्क्वायर रूट के बाहर निकल क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हेल्पफुल होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं करने के लिए। और अगर कहीं पे ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है तो पुट आप कर सकते हैं एक्स को ए कॉस टू थीटा और एक्स को ए कॉस थीटा, कुछ भी पुट करेंगे आपका बात बन जाएगा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा ए कॉस टू थीटा पुट करने से ए कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा, एक कॉस टू थीटा नीचे पुट करेंगे तो एक कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, नीचे वन प्लस कॉस टू थीटा बचेगा उसका क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर रूट से बाहर आके टेन थीटा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त आप जितने भी डेरिवेशन सीख चुके हैं उन सब डेरिवेशंस को याद रखना होगा, तब उसके एप्लीकेशन आपको समझ में आएंगे। अब ये सारे फॉर्मूला आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और ग्राफ्स के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन सारी डेरिवेशंस को कम से कम 2 बार करें, 2 बार खुद से करें, सारे फॉर्मूले डिराइव करें, और फॉर्मूले डिराइव करने के बाद इसको याद करें, याद करने के बाद जो हम क्वेश्चंस आगे कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।